हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए क्रोएशिया कैप लेकर आई हूँ। आप देख सकते हैं ये हमारे क्रोएशिया कैप की डिज़ाइनिंग है और ये इसका बॉर्डर है, स्ट्रेचेबल बॉर्डर बुना है हमने। ये जो हमारे कैप की डिज़ाइनिंग है, इस डिज़ाइन को आप टेबल कवर और डोर मैट के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। इस वीडियो में हमने आपको बताया है टेबल कवर और डोरमेट बनाने का तरीका और फिर इसको कैप में कैसे चेंज करना है। फ्रेंड्स, कैप देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा है और ये जितना खूबसूरत लग रहा है बनाने में उतना ही आसान है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, बुनाई और क्रोशिया की वीडियोस अपलोड करती हूँ। अगर कोई डिज़ाइन है जो आप मुझसे बनवाना चाहते हैं तो उसकी पिक फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं। आईडी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा 10 नंबर का क्रोशिया है। फर्स्ट नोट लगाएंगे इस तरह, धागे को खींच देंगे। देखिए हमारा हुक बन गया है। अब हम 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 7 चेन हमारी बन गई हैं। अब हम फर्स्ट वाली चेन में स्लिप क्रोशिया बनाएंगे। देखिए सर्किल हमारा बन गया है। अब हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 एंड 3 क्रोशिया घुमाएंगे। क्रोशिया पे धागा आ गया है। राउंड में से डबल क्रोशिया बनाएंगे। क्रोशिया घुमाया, 2 उनमें निकाला, फिर क्रोशिया घुमाया, 2 उनमें निकाला। ये 3 चेन हमारे 1 डबल क्रोशिया के इक्वल है। फ्रेंड्स, ये हमारे 2 डबल क्रोशिया काउंट होंगे। अब इसी तरह फ्रेंड्स हमें ये 16 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 3 हमारे बन चुके हैं। अब कंप्लीट 16 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 15 डबल क्रोशिया और ये 3 चेन कंप्लीट, ये 16 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब चेन में स्लिप क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। राउंड हमारा बन गया है। अब हम 3 चेन बनाएंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, 3 चेन बन गई हैं। अभी हमारा डबल क्रोशिया है, इसमें से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 एंड 2, 1 एंड 2। फ्रेंड्स, आगे के राउंड हम इसी तरह करेंगे। 1 डबल क्रोशिया में से हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। आप देख सकते हैं 1 डबल क्रोशिया में से मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। इसी तरह आगे के राउंड बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड और थर्ड राउंड में हमने 1 डबल क्रोशिया में से 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। फोर्थ राउंड में हमने 1 डबल क्रोशिया में से 1 डबल क्रोशिया बनाया है। फ्रेंड्स, ये 4 इंच का सर्कल बन गया है। अब हम फिफ्थ राउंड इस तरह करेंगे। पहले 1 स्लिप क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 और यहीं पर 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1, अब हम 2 चेन बनाएंगे। 1 2 और यहीं पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 एंड 2, अब 2 चेन बनाएंगे। 1 2, 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। 1 2 और नेक्स्ट वाले में से डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले। 1 एंड 2, 2 चेन बनाएंगे। 1 2 और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन, 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। थर्ड वाले में से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाएंगे और यहीं पर वापस 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 5th राउंड को इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। 1 डबल क्रोशिया में से फ्रेंड्स आपको 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। उसके बाद हम दो चेन बनाएंगे और दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और फिर इसी तरह से दो डबल क्रोशिया, दो चेन और दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस राउंड को इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। फिफ्थ राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम एक स्लिप क्रोशिया बनाएंगे, फिर चेन में एक स्लिप क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे, 1, 2 एंड 3 क्रोशिया घुमाएंगे। क्रोशिया पे धागा आ गया है। एक डबल क्रोशिया हमारा बन गया है फ्रेंड्स। दो चेन बनाएंगे और दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 एंड 2। अब दो चेन बनाएंगे, देखिए दो डबल क्रोशिया, दो चेन है, चेन में से दो डबल क्रोशिया, दो चेन, दो डबल क्रोशिया, दो चेन। इसी तरह जिस तरह हमने फिफ्थ राउंड बनाया है उसी तरह हम सिक्स्थ और सेवेंथ राउंड बना लेंगे। दो डबल क्रोशिया, दो चेन, दो डबल क्रोशिया और दो चेन। देखिए फ्रेंड्स, तीन राउंड हमने इसी तरह करे हैं, दो डबल क्रोशिया, दो चेन, दो डबल क्रोशिया, फिर दो चेन। अब अगले तीन राउंड हम इस तरह करेंगे, पहले दो स्लिप क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब दो चेन में से तीन चेन बनाएंगे, पहले 1, 2, 3 और दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स, तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम दो चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले में से तीन डबल क्रोशिया, तीन चेन और तीन डबल क्रोशिया। इसी तरह फ्रेंड्स रिपीट करते जाएंगे। अगले तीन राउंड हमें इसी तरह बनाने हैं, तीन डबल क्रोशिया, तीन चेन, तीन डबल क्रोशिया और दो चेन। 6 डबल क्रोशिया के राउंड हमारे 3 हो गए हैं। अब आगे के 3 राउंड इस तरह करेंगे, पहले स्लिप क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2 एंड 3। यहीं पर 3 चेन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया, 1, 2 एंड 3, 3 चेन, 4 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4, 2 चेन, 1, 2 और नेक्स्ट वाले में 4 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3 एंड 4, 3 चेन, 1, 2 एंड 3, 4 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3 एंड 4, 2 चेन, 1, 2। आगे के 3 राउंड इसी तरह करेंगे, 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन। देखिए फ्रेंड्स, 8 डबल क्रोशिया के 3 राउंड हमारे हो गए हैं। ये हमारा टेबल कवर बन गया है। आप इस टेबल कवर को साइज इंक्रीज करेंगी और डोरमेट बना लेंगी। उसके लिए क्या करना होगा, देखिए स्टार्टिंग में हमने 4 डबल क्रोशिया के 3 राउंड बनाए थे, फिर 3 राउंड हमने 6 डबल क्रोशिया के बनाए, फिर 3 राउंड 8 डबल क्रोशिया के। इसी तरह 3 राउंड के बाद आप 2 डबल क्रोशिया इंक्रीज करती जाएंगी और किसी भी साइज में डोरमेट बना सकती हैं। देखने में बेहद खूबसूरत लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सर्कल की जो लेंथ है वो 12 इंचेस है। अब हम इसको कैप का शेप देंगे। फ्रेंड्स 3 राउंड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अपने कैप का बॉर्डर बनाएंगे, स्लिप क्रोशिया बनाएंगे। स्लिप क्रोशिया हमने बना लिए हैं। अब हम 9 चेन बनाएंगे। अब हम यहाँ पर स्लिप क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 9 चेन बनाएंगे। और यहाँ पर स्लिप क्रोशिया बनाएंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी चेन ना टाइट हो और ना ही लूज हो। इसी तरह फ्रेंड्स हम 9 चेन बनाते जाएंगे दूसरी कली तक, और कली में स्लिप क्रोशिया बना लेंगे। 9 चेन और स्लिप क्रोशिया का राउंड हमारा हो गया है। अब हम 12 नंबर का क्रोशिया यूज करेंगे। 3 चेन बनाएंगे और अब हम हर चेन में से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमारे 10 डबल क्रोशिया बन गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक कली से दूसरी कली तक ये 10 डबल क्रोशिया हैं। 11वां डबल क्रोशिया हमारा कली के बीच में से है। इसी तरह फ्रेंड्स हम बीच में 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक कली के ऊपर। फ्रेंड्स एक राउंड हमने कर लिया है। हर चेन में से एक डबल क्रोशिया बनाया है। 9 चेन थी हमारी। देखिए फ्रेंड्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ये 10 डबल क्रोशिया हैं। 10 डबल क्रोशिया काउंट होंगे। आप ये कलियां काउंट करें इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 कलियाँ हैं फ्रेंड्स। और एक कली में 10 डबल क्रोशिया हैं, तो ये हमारे 190 डबल क्रोशिया हो गए हैं। पूरा ही राउंड में फ्रेंड्स 190 डबल क्रोशिया हैं। फ्रेंड्स हमारे कैप की जो लेंथ है वो 7 इंचेस है, इसलिए हम पहले 3 चेन बनाएंगे और हर डबल क्रोशिया में से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये राउंड इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स राउंड पूरा कर लिया है हमने। एक डबल क्रोशिया में से एक डबल क्रोशिया बनाए हैं। ये हमारे 10 डबल क्रोशिया हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 डबल क्रोशिया डिक्रीज करेंगे। वो किस तरह करेंगे? 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 2 बैक पोस्ट, 2 फ्रंट पोस्ट, 2 बैक पोस्ट, 2 बैक पोस्ट बनाए हैं, 2 फ्रंट पोस्ट, 2 बैक पोस्ट। ये 6 डबल क्रोशिया हो गए हैं और 2 डबल क्रोशिया इससे पहले हैं। अब हम एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और एक बैक पोस्ट। कंप्लीट ही हमारे 10 डबल क्रोशिया हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह फ्रेंड्स हम आगे बनाते जाएंगे। 10 डबल क्रोशिया से रिपीट करेंगे। देखिए एक फ्रंट पोस्ट बनाया, एक बैक पोस्ट। अब हम दो फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 1 2 दो बैक पोस्ट, 1 2 दो फ्रंट पोस्ट। छह डबल क्रोशिया ये होगा है। अब एक बैक पोस्ट, और एक फ्रंट पोस्ट। 10 डबल क्रोशिया को इसी तरह रिपीट करेंगे, एक फ्रंट पोस्ट, एक बैक पोस्ट, दो फ्रंट पोस्ट, दो बैक पोस्ट, फिर दो फ्रंट पोस्ट, फिर एक बैक पोस्ट, एक फ्रंट पोस्ट। ये 6 डबल क्रोशिया हमें दो दो करके ही बनाने हैं, दो फ्रंट पोस्ट, दो बैक पोस्ट, दो फ्रंट पोस्ट। और कहीं पर स्टार्टिंग में हम दो बैक पोस्ट बनाएंगे, दो फ्रंट पोस्ट, दो बैक पोस्ट। ये 20 डबल क्रोशिया हमें रिपीट करते जाना है। 10 डबल क्रोशिया के बीच के जो 6 डबल क्रोशिया हैं उसको इसी तरह बनाएं, दो बैक पोस्ट, दो फ्रंट पोस्ट, दो बैक पोस्ट। और यहाँ पर हम दो फ्रंट पोस्ट, दो बैक पोस्ट और दो फ्रंट पोस्ट, बीच में एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट लिया है हमने। इसी तरह रिपीट करते जाएंगे और इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बॉर्डर को डिक्रीज करेंगे, डबल क्रोशिया घटाएंगे, 3 चैन बनाएंगे। ये हमारा सिंगल फ्रंट पोस्ट है तो सिंगल बनाएंगे, और ये दो बैक पोस्ट हैं तो दोनों को एक साथ कंबाइन कर देंगे। बैक पोस्ट ही बनाया हमने। ये दो फ्रंट पोस्ट हैं, कंबाइन करेंगे, एक फ्रंट पोस्ट बना देंगे। देखिए दो बैक पोस्ट हैं, इसको भी कंबाइन करेंगे। ये हमारे 6 डबल क्रोशिया के 3 डबल क्रोशिया बन गए हैं। देखिए 1 2 3 दो बैक पोस्ट थे, दो फ्रंट पोस्ट, फिर दो बैक पोस्ट हमने कंबाइन कर दिया है। ये 3 डबल क्रोशिया बन गए हैं, एक बैक पोस्ट, एक फ्रंट पोस्ट, एक बैक पोस्ट। अब आगे जो है ये सिंगल है तो सिंगल फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ये बैक पोस्ट सिंगल है सिंगल बनाएंगे। सिंगल वालों को फ्रेंड्स हम सिंगल ही बनाएंगे, और जो हमारे दो उनको कंबाइन कर देंगे। देखिए दो फ्रंट पोस्ट आ गए हैं तो इनको कंबाइन कर देंगे, दोनों को ही फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे सिंगल। अब ये दो बैक पोस्ट हैं तो बैक पोस्ट बनाएंगे, कंबाइन कर देंगे। एक साथ बुन रहे हैं हम इसको। ये फिर से 6 डबल क्रोशिया के 3 डबल क्रोशिया बन गए हैं। जो सिंगल है उनको सिंगल ही बुनेंगे, जो हमारे सिंगल डबल क्रोशिया हैं उन्हें सिंगल ही बुन रहे हैं, और जोड़े को हम कंबाइन कर देंगे। इसी तरह ये राउंड कंप्लीट करेंगे। राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट राउंड हम इस तरह करेंगे, 3 चेन बनाएंगे, और फ्रंट पोस्ट पर फ्रेंड्स फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, और बैक पोस्ट पर बैक पोस्ट बनाएंगे। ये राउंड हम इसी तरह करेंगे। नेक्स्ट राउंड में हम डबल क्रोशिया डिक्रीज करेंगे। अभी और डिक्रीज करना है हमें अपने कैप को। अभी कैप की गोलाई और घटानी है। एक राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट राउंड हम इस तरह करेंगे, 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब इस तरह डबल क्रोशिया को घटाएंगे। देखिए एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक बैक पोस्ट। ये हमारी कली के बीच के डबल क्रोशिया हैं तो इनको इस तरह दोनों ही फ्रंट पोस्ट में डालकर फ्रंट पोस्ट बना देंगे। इस तरह से अब एक बैक पोस्ट, एक फ्रंट पोस्ट, एक बैक पोस्ट। कली के बीच के जो डबल क्रोशिया हैं, फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट, तीन को मिला देंगे। ये देखिए बीच में इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। दोनों कली के बीच के जो 3 डबल क्रोशिया हैं उनको कंबाइन कर देंगे, एक डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह, फिर यहाँ किया, फिर इस तरह। राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम मेजर करेंगे अपने कैप को। देखिए ये 10.5 इंचज़ है, हेड से मेजर कर लें। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको डबल क्रोशिया डिक्रीज़ करने चाहिए, कैप की गोलाई डिक्रीज़ करनी चाहिए, तो अब आप इस तरह करेंगे, 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3 और फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट पर बैक पोस्ट। ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हैं, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट। दोनों ही फ्रंट पोस्ट में इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और फ्रंट पोस्ट बना देंगे। अब फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, बैक पोस्ट पर बैक पोस्ट। हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया डिक्रीज़ किए थे इस कली पर, और उसके बाद वाली जो कली है उस पर डबल क्रोशिया डिक्रीज़ नहीं किए हैं। अब यहाँ पर हम डबल क्रोशिया डिक्रीज़ करेंगे। ये हमारे 3 डबल क्रोशिया आ गए हैं, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट। तो दोनों में इस तरह से डालेंगे, बैक पोस्ट में क्रोशिया नहीं डाला है हमने, और एक साथ फ्रंट पोस्ट बना देंगे। उसके बाद एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट बनाएंगे। फ्रेंड्स, इसी तरह हम इस राउंड में डबल क्रोशिया डिक्रीज़ करेंगे। 3 डबल क्रोशिया को कंबाइन कर देंगे, एक कली में डिक्रीज़ करेंगे, एक कली में डिक्रीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सभी में करेंगे तो ज़्यादा ही कैप का साइज़ छोटा हो जाएगा। राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एक कली के बीच में हमने डबल क्रोशिया डिक्रीज़ किए हैं, नेक्स्ट वाली में डिक्रीज़ नहीं किए हैं। इसी तरह हमने ये डबल क्रोशिया डिक्रीज़ किए हैं, ये कली का शेप आ रहा है। अब हम और डबल क्रोशिया डिक्रीज़ नहीं करेंगे, 3 चेन बनाएंगे, आगे का केप इसी तरह बुनेंगे, फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट पर बैक पोस्ट। क्योंकि मैंने अपने हेड से मेजर कर लिया है, मेरे अब ये फिट आ रहा है, कैप लूज़ नहीं है। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको डबल क्रोशिया डिक्रीज़ करने हैं तो आप इसी तरह करें। अब आप इस कली में डिक्रीज़ करें क्रोशिया। अगर आप डिक्रीज़ करना चाहते हैं, एक कली के बीच में डबल क्रोशिया डिक्रीज़ करें और एक में ना करें। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। कैप के बॉर्डर को अब हम इसी तरह बुनेंगे, फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, बैक पोस्ट पर बैक पोस्ट, और अपने कैप के बॉर्डर को कंप्लीट बुन लेंगे। कैप बॉर्डर हमने बुन लिया है। हमारे कैप बॉर्डर की लेंथ 2 इंचज़ है। अब हम उनको काटेंगे और लूप में निकाल लेंगे। कैप हमारा बुना गया है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये कैप पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।